गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज आप लोग हिंदी सेकंड में दूसरा चैप्टर वर्ब और मात्राएं पढ़ेंगे। वर्ब और मात्राएं हैं क्या? हमने आपको कल कहा था वर्णमाला याद रखिए, जिसमें हमारे छोटा बड़ा छोटी हुई काका बारहखड़ी याद कर लीजिए। वो बारहखड़ी तो वर्णमाला, बारहखड़ी तो हमारी कक्का इक्की तीन मात्राओं से चलेगी। तो इसमें वर्ण क्या है? हम कह सकते हैं भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहता है। लेकिन वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हमारे किताब में 48 वर्ण दिए गए हैं, लेकिन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके में दो प्रकार के दिए, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। और जो तीन शब्द बचते हैं वो आयु विवाह चले जाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम स्वर आ गए। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का पूर्व उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वह स्वर कहलाते हैं। ये हमारे 11 हैं। आप पढ़ सकते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ छोटी ऋषि ए ऐ ओ औ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। इसमें भी भाग हैं। इसमें हम कह सकते हैं भाग कौन कौन से होते हैं, ये बता दे रहे हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप स्वर। हर्ष स्वर जो छोटे होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, दीर्घ सी। दीर्घ स्वर, इसमें ज्यादा समय लगता है, हर्ष स्वर से दुगना समय, ये 7 होते हैं। और जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारी हर्ष और दीर्घ हो गए। लेकिन एक और होता है पुलुप स्वर। आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, लेकिन हम आज आपको पढ़ा दे रहे, समय पढ़ा। पुलुप स्वर क्या होता है? हर्ष स्वर से तिगुना समय, दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है। हमारे पुलुप स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। अब आप सोच रहे हैं सर ने छोटा अंग बड़ा अंग नहीं लिखा, तो भाई मेरे लिए अयुग वहां होते, ठीक है। अब उनकी मात्राएं 10 होती है स्वर की। ये मात्राएं विशेष ध्यान रखना, ये कट्टा लगा दिया है कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये शब्द ये हमारा छोटा प्रत्येक व्यंजन शब्द के संग में होगा मूल रूप से। इसको कहते हैं जैसे का है, दाबोला आ गया, ना बोला आ जाएगा, दाबोलोगे आ जाएगा। अब आप लिखे दा बड़ा तो बड़ावत आ गया, तो ये ना आगे इसकी मात्रा आ जाएगी दावत में। तो मात्राओं का ये ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में यही वर्ण और मात्राओं के बारे में बोल रहा था, लेकिन आपके में अयुग्वा है, अच्छी बात है। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। ये तुम्हारे 33 है, 33 आप देख सकते हैं व्यंजन लिखे हैं, इनको याद कर लो, यही व्यंजन। इसके अतिरिक्त दो और व्यंजन होते ड और ढां। ये अंतिम वर्णमाला का शब्द है,
ये आपको बहुत आगे मिलेगा पढ़ने के इसके डिटेल। अब ये भी तीन होते हैं, कैसे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जब हमारी जीभ हम बोलते हैं तो ये हमारे कहीं ना कहीं मुंह से टकरा के आवाज निकालते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होती है, 25, जिसमें कावर चावर टावर तावर पावर काका घा म्या चा 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 उमा टा 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 डाणा ता ता धा धा न पप्पा आ बा आ। अब आगे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, 11 अलावा ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। इसको हम बोलते हैं तो नाक से हवा निकलती गरम गरम, श स स सा संयम सा षटकोण सा सतीरा हा। लेकिन इसके अतिरिक्त दो और व्यंजन है आपकी किताब में, तीन नहीं है, ये दो जरूर है, एक संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। संयुक्त क्या है? दो व्यंजनों से मिलकर एक नया शब्द बन जाए। अब जैसे यानी लिखना है या आ गया तो ग प्लस मा चुआ बना देता हूं, ऐसे ही क्षत्रिय आ जाए तो छ आ गया, ग प्लस सा। त्रिशूल आ जाए ता प्लस रा, श्रमिक श्रमिक श्रा तो श प्लस रा। ये ऐसे शब्द जो है वो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, वो संयुक्त कहलाते हैं। अब द्वित्य क्या है? दो समान व्यंजन है, मतलब एक जैसे देखने को मिलते हैं, एक आधा होता है एक पूरा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू पूरी मिली जाती है, वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सच्चा बच्चा, तक्का पक्का चक्की, तो ऐसी शब्द क्या है? हमारे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब कहता योगवा क्या है? सही है, वर्णमाला में कुछ जो ना स्वर होते ना व्यंजन होते अयोगवा कहलाते हैं। ये तीन होते हैं आपको बता दें, अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं? जैसे छोटा अंग या अनुस्वार जिसमें बिंदी लगा दे, लंगूर अंगूर बंदर, ये हमारे अनुस्वार है। लिखा है छोटे अंग को अनुस्वार कहते हैं, यह बड़े के ऊपर बिंदी के ऊपर लगाया जाता है, जैसे गंगा गंडा झंडा पंडित। अनुनासिक क्या है? चंद्र बिंदी लगा देते हैं, जैसे चांद नाम है ना, दांत सांच पांच। विसर्ग क्या है? ये हा की आवाज लगाता है, जैसे प्रातः दुख। तो ये सब हमारी अयोगवा है। मात्राएं इसे कहते हैं, व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह को मात्रा कहते हैं, या मात्रा मैंने लिखी। अब आपके में एक रा शब्द की और मात्रा आती है, जैसे चर्म चा बनाया मा बनाया ऊपर रा लगा दिया, प्रश्न पांच बनाया नीचे रा इस लगा दिया प्रश्न हो गया। इनको आप पढ़ सकते हैं, ये चैप्टर में आपका खत्म हुआ, इसको हम भेज देंगे और आप अपना लिख लेना और याद करना।